हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अवस्थी, NM न्यूज। चौथा चरण चल रहा है 2022 के चुनाव को लेके, और मैं यहाँ पे आया हूँ महेश पटवारी जी से, जो धार्मिक हैं और समाज सेवी हैं। और मैं आप लोगों को बताऊँ मतदान कितना ज़रूरत है इस दुनिया में, मतदान के लिए आदमी कहाँ से कहाँ आता है और मतदान डालना चाहिए, इस विषय को लेके मैं महेश पटवारी से। सर, लोगों को मतदान जो अपना वोट डालने के लिए लोग कहीं ना कहीं आते नहीं हैं, लोग कहते क्या डालें, घर में लेटे रहते हैं, तो उस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, मतदान बहुत ज़रूरी है। दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जहां चुनाव होता ही नहीं है, फौजी शासन है और फौज के बूट के तले चुनाव होते हैं दिखावे के तौर पे। जो सरकार बनती है वो फौज के इशारे पर होती है, वहाँ चुनाव नहीं होता है, दिखावा होता है। भारत एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ कई वर्षों से चुनाव होते हैं, हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। इसमें हम लोगों को मतदान जरूर करना चाहिए, ये हम लोग का अधिकार है। और अगर हम मतदान नहीं करते हैं तो हमें सरकार को कोसने का भी अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं महेश पटवारी ने मतदान को लेकर इस हिसाब से बताया। लेकिन सर, कहीं कहीं लिखा है कि गांव के लोग जिस हिसाब से कहते हैं कि चलो हम तो गन्ना गोने जा रहे हैं, हम बुलाना जाए, तो झूठ बोलते हैं कि नहीं, और उनके लिए महत्व बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपनी सरकार को एक अच्छी तरह से लाएं और जिससे देश में एक अच्छी बनी रहे। हाँ, गांव में शिक्षा की कमी है। सबसे पहले तो शिक्षा की वहाँ अलग जगानी चाहिए, वो जागरूक हों कि मतदान करने से हमें क्या अधिकार मिलता है। बाद में होता क्या, वो कहते हैं हमारे गाँव में रास्ता नहीं बना, लेट्रीन नहीं है, गाँव में राशन नहीं आया, शिक्षा नहीं है, बाद में वो रोते हैं। तो उनको मतदान जरूर करना चाहिए, तभी वो जब वोट के लिए नेता उनके गांव में जाएगा तब वो पूछ सकते हैं कि हमने तुम्हें पिछले चुनाव में वोट दिया था, तुमने हमारे गांव के विकास के लिए क्या किया। तमाम गांव में देखिए आप, बैनर लगता है कि रास्ता नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद नेता उनकी चिरौरी करने जाता है। मेरा सर तीसरा क्वेश्चन ये है, 2022 के चुनाव को आप कैसा देख रहे हैं? 2022 जो है लोकतंत्र का महान चुनाव है ये, और देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगा। अच्छा, और देश की दिशा भी बदलेगी सर, और पूरे विश्व को संदेश जाएगा कि भारत में एक मजबूत सरकार है जो ऐसे फैसले लेती है जिससे विश्व जो है चौंकता है। विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो इससे पहले भारत को दबाते थे, पिछले वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि भारत ने उनको जो चुनौती दी है। मैं महेश पटवारी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप अगर मत करेंगे तो किस सरकार को कुछ बता सकते हैं? देखिए, यह तो गोपनीय होता है, मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वह जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को पसंद करते हों, भाजपा को पसंद करते हैं भाजपा को वोट दें, सपा को पसंद करते हैं सपा को दें, कांग्रेस बसपा को करते हैं उसको दें। लेकिन मेरा ये कहना है कि 54 से 58% तक वोट होता है, 40 से 45% तक लोग वोट नहीं करते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है कि आप नेता को वोट मत दीजिए, आप देश को वोट दीजिए। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन दिया है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन जो है कि लोग जो अपने चुनाव दौर में वादे कर रहे हैं 300 यूनिट स्कूटी, इस विषय में नेता जितने भी वादे कर रहे हैं क्या वो उसका पैसा अपनी जेब से देंगे? जनता के पैसे से देंगे, जनता के टैक्स के पैसे से देंगे? ये तो 300 फ्री यूनिट बिजली है या 6 सिलेंडर हैं, ये नेताओं को अपने पार्टी फंड से देना चाहिए, सरकारी पैसे से नहीं देना चाहिए। जी, मेरा 5वां क्वेश्चन सर ये है कि आप 23 फरवरी को जो चुनाव हो रहा है उसमें अपने गोलावासियों और देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मेरा संदेश यही है कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें, पहले मतदान करें फिर नाश्ता करें घर में आकर के, पहले मतदान करें फिर नाश्ता करें। यहाँ पे आप देख रहे थे तेज़तर्रार हमारे महेश पटवारी ने जिस हिसाब से मतदान को लेके बात की। मैंने नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।